Social organizations. According to Talcott Parson, there are basically two elements of social organizations known as social roles and social collectivities. Social roles, they represent the most elementary particles of social organization, which are basically the normative expectations of actions for distinct positions and every possible social interaction does have some kind of roles and on the other hand the collectivities uh, they represent the higher level of social organization they are basically clusters of roles systematically organized for specific societal structures सो अकॉर्डिंग टू टेलकोट पार्सन दो तरह के एलिमेंट्स हैं सोशल रोल्स जो इंडिविजुअल लेवल पर हैं एंड कलेक्टिविटीज़ जो हैं उनका मतलब ये होगा कि जहाँ जहाँ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये किसी एक सिंगल रोल पर डिपेंडेंट नहीं है बल्कि क्लस्टर ऑफ रोल्स है यानी बहुत सारे लोग मिलकर जो कलेक्टिव एक्शंस uh, होते हैं जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस का बिहेवियर है उनको डिटरमिन करते हैं और हर किसी का अपना कंट्रीब्यूशन होता है इस सारे कॉम्बिनेशन के अंदर बिकॉज पार्सन आल्सो आर्ग्यूज दैट ब्यूरोज हैव आल्सो बीन इम्पॉर्टेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशन ए सोसाइटी विच आर रैशनली इन्वॉल्व विद टाइम एंड बेसिकली ईल्सो डिस्कस टू टाइप्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन सच एज़ डेमोक्रेटिक एसोसिएशन एंड द प्रोफेशनल एसोसीशन तो टेलकोड पार्सन के नज़ीक जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन किसी भी माशरे को रिफ्लेक्ट करती हैं उस माशरे के अंदर एग्जस्टिंग बिहेवियर को एग्जस्टिंग स्टाइल ऑफ वर्किंग को रिफ्लेक्ट करती हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें किस कोई वेल्यूट या जज करना चाहिए टेलकोड पार्सन का ये ख्याल है कि जैसे ब्यूरोज हैं अब ब्यूरोसी सिंगल um, एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट नहीं करती बल्कि वो कलेक्टिव एक्शंस की रिफ्लेक्शन है यानी जिस मॉशरे सिस्टम के अंदर ब्यूरोसी प्रॉपरली वर्क करती है तो इसका मतलब ये होगा कि पूरे का पूरा सिस्टम जो है मेकनिज़म प्रॉपरली स्मूदली चल रहा है अच्छा इसको अगर हमने बहुत आसान लफ्ज़ों में समझना हो तो हम ये समझ सकते हैं कि देखिए अगर कोई भी डेवलपिंग वर्ल्ड डेवलपिंग वर्ल्ड में किसी माशरे की कहानी हम लिखना चाहें या बताना चाहें इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए अगर कहीं पर महंगाई बहुत ज़्यादा है वहाँ पर सिस्टम के अंदर लोगों के काम स्मूथली नहीं चल रहे तो इसका मतलब क्या होगा कि वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो रिस्पॉन्सिबल है इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन अपना काम सही तरीके से सर अंजाम नहीं दे रही क्योंकि ये काम जिनका ताल्लुक़ माशरे में मुशरे से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोगों की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से है यानी जिन लोगों के जुम्मे ये काम है जिनका ये फ़र्ज़ है अगर वो मजमुई तौर पर सूरत हाल में अपना रोल परफॉर्म नहीं कर रहे तो ऐसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से माशरे के अंदर बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं जिससे सोसाइटी भी डिस्टर्ब होती है और सिस्टम भी डिस्टर्ब होता है अच्छा इसी तरीके से कुछ और ऑर्गेनाइजेशन जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो जैसे कुछ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और हैं मसलन अब कोई डॉक्टर्स की ऑर्गेनाइजेशन है कुछ लॉयर्स की एसोसिएशन हैं कुछ प्रोफेसर्स की एसोसीशनस हैं अब वो स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशन के लिए क्या काम कर रहे हैं वो उसके लिए जवाब दे होंगे लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशंस जैसे ब्यूरोसी है वो कलेक्टिवली उस तमाम सिचुएशन के लिए आंसरेबल है जिसमें लॉ एंड ऑर्डर भी आ जाएगा जिसके अंदर रूल uh, एप्लीकेशन आ जाएगी कि कवानीन की पासदारी कैसे करवाई जा रही है पॉलिसीज़ जो हुकूमतें बनाती हैं उसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे हो रही है अगर ब्यूरोसी ऊपर हुकूमत के साथ कॉप्रेट नहीं कर रही तो निज़ाम के अंदर बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे तो टेलकोट पार्सन के नज़दीक एक तो वो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ख़ुद इंडिविजुअल लेकिन अपने अपने प्रोफेशन के अंदर मिलकर बनाते हैं और फिर एक वो कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है जो आंसरेबल है उन तमाम कामों के लिए जो उसके रोल के साथ अटैच्ड हैं जैसे हमने अभी ब्यूरोक्रेसी की मिसाल जो है उसको डिस्कस किया है